नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज नाइन लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीतापुर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इमरान नोमान ने उत्तर प्रदेश खेल प्रकोष्ठ के चेयरमैन व अध्यक्ष आरसी रजा की मौजूदगी में जोरदार प्रदर्शन करते हुए बताया कि मोदी सरकार जनता के साथ छलकपट करती रही है। साथ ही आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सरकार में आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। ये देश जनता से चलता है, जनता इनको यहाँ तक पहुँचाया है और ये सरकार सिर्फ अपना और अमीरों का पेट भरती है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो पेट्रोल से ज्यादा डीजल के दाम बढ़े हैं। इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं, इनको सीख लेना चाहिए कि देश कैसे चलता है। वही अरसी रजा व तहजीब आलम ने बताया कि हम लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार अपनी बात वापस नहीं लेगी। अरसी रजा ने बताया कि जनता अब जाग चुकी है, जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो, नहीं तो अगर जनता मैदान में उतर गई तो आपको प्रधानमंत्री के पद से नीचे उतरना पड़ेगा। अरसी रजा ने कहा कि अब योगी की तानाशाही नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने खून पसीने से देश को सींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाइन लाइव टीवी, लखनऊ। कम करो, कम करो, कम करो। मोदी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागिरी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज नाइन लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज नाइन लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @ न्यूज नाइन लाइव टीवी।